उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जहां दबंगों से पीड़ित होकर वृद्ध महिलाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन से, जहाँ हम आपको बता दें औरैया के रहने वाले बिधूना तहसील के सिया राम अपनी समस्या को लेकर पहुंचे योगी दरबार में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के न मिलने के बाद वे धरना प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने लगाई न्याय की गुहार कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो उनकी ज़मीन थी, जो सड़क पर थी, और उसे जो है राजस्व विभाग के अधिकारियों ने ज़मीन उनकी सड़क से पीछे की ओर कर दी है। गंभीर आरोप लगाए हैं अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, जहां बताया है कि लगभग एक वर्ष से लगातार वे दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके सुध लेने वाला नहीं है। आइए डालते हैं एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नज़र, जहां उन्होंने सुनाई अपनी आप बीती। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। समय में इको गार्डन यानी कि धरना स्थल पर हैं, जहां एक बुजुर्ग गाय हैं औरैया से अपनी कुछ समस्या को लेके। इनका कहना है कि सीएम आवाज ही पहुंचे थे, लेकिन इनको उस तरह संतुष्टि नहीं क्योंकि सीएम मिले नहीं। इनका कहना है, लोगों से पता किया तो उन्होंने यहाँ पहुँचे हैं, अपनी मांग हुई कोई जिम्मेदार अधिकारी सुने और इनकी समस्या का समाधान हो। क्या नाम है आपका? मेरा सर सिया राम जी नाम है। क्या हुआ सिया राम जी? मेरा सर दबंग लोगों को मुकेश यादव और लेखपाल हेमंत तिवारी ने कब्जा दिलवा दिया। मेरे सर मेरे साथ सर अन्याय हुआ है। कौन है वो सर? यादव है। मैं जात का सर कोरी हूँ। मैं साफ भूमि हूँ, गरीब हूँ, निचला कुचला आदमी हूँ। मैं लड़ाई झगड़ा करने में असमर्थ हूँ। मामला सर एक साल हो गई है। हाँ सर, वो रामचंद्र जयचंद पिंटू साधव सिंह पुत्र राम बेटी को जबरदस्त दे दिया गया। वो जमीन सर मेरी है, मेरे पास सर कागज भी है, सब कुछ है। इनका इनको मतलब बैनामा है, बैनामा कहीं है सर, और जमीन मेरी सर उनको दे दी गई है। कैसे हुआ? मुझे सर पता नहीं चला। सर मैंने साइन किए, इन्होंने कहा तुम्हारी जमीन तुमको दी जाएगी मालिक। अब मुझे मेरे साथ सर धोखा किया है लोगों ने, हम जानते ही नहीं थे सर। उन्होंने दस्तखत भी करवा लिए, कहा तुम्हारी जमीन तुमको मूल जोत दी जाएगी, इसलिए सर मैंने दस्तखत भी कर दिए। किसके सामने, कहाँ पर दस्तखत? जे सर वहाँ ब्लॉक में सर, अस्पताल में जी। क्या बताया कि जब तुमने दस्तखत किए तो? उन्होंने कहा तुम्हारी मूल जोत तुमको दी जाएगी। कब्जा पहले तुम्हारा था? कब्जा सर मेरा था, लगभग 50 साल से मेरा कब्जा आ रहा है सर। एक साल से उनको जमीन दे दी गई है लेखपाल ने। जमीन ऐसी पड़ी थी वहाँ? नहीं सर, उसमें गेहूँ पैदा है। उन्होंने कहा आप फसल करिए, जब होगा तब तुमको नाप दी जाएगी। शिकायत करने के लिए मैं सर दर दर भटक रहा हूँ, ऐसी कोई मैंने जगह नहीं बाकी रखी। औरैया में CO, SOC, DDC, मुख्यमंत्री और DM साहब को, सभी को ऐसा कोई स्थान बाकी नहीं रखा मालिक, जहाँ मैंने अपनी गुहार ना लगाई हो। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है मालिक। आज तुम यहाँ पहुँचे सीएम योगी से मिले? जी सर, वहाँ मैं आवास पर गया था, योगी जी नहीं मिले सर। मेरे कागज ले लिए गए और मैं ब्रजेश पाठक के वहाँ पर भी गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जाकर काम हो जाएगा आपका, बस इतना कह दिया मालिक। फिर हम सर ये चाहते हैं मेरी मूल जोत मुझको दी जाए। यानी जो तुम्हें जमीन तुम वापस? जी सर, मैं दूसरे की नहीं चाहते मालिक। जहाँ पर सर उनका बैनामा आए वहाँ सर उनको दी जाए। अच्छा, जहाँ उनका बैनामा है जी, तुम्हारा जहाँ तुम्हें मिल जी सर, बस ये कहना जी सर, इसीलिए तुम यहाँ आए हो जी सर। कोई सुनवाई नहीं किसी भी अधिकारी ने, मेरे साथ कागज फेंक दिए जाते हैं, कहते ये है वो है, कुछ नहीं सुनते है। तो ये हमारे सिया राम थे जो औरैया से आए, इनकी अपनी जमीन का मामला लेके। इनका कहना है कि इनकी जो जमीन इनको मिलनी चाहिए और इनको कुछ नहीं चाहिए, साल भर पहले किसी और का कब्जा हो गया है और धोखे से दस्तखत करवाने के बाद किसी और को दे दी गई है। इसी समस्या को लेकर आज ये इको गार्डन में आए हुए हैं। और तो कोई समस्या नहीं? और कोई सर समस्या नहीं, मेरी जमीन मुझको साथ दी जाए, मेरी मूल जोत मुझे।